हाय नमस्ते। आज हम दो दोहा पढ़ेंगे जिसे हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। इन प्रीवियस क्लास वी हैव रीड दिस कपलेट, टुडे वी विल रिपीट इट। लिसन इट एंड रिपीट इट विथ मी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। एक बार फिर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ है Tomorrow's work do today, today's work now. If the moment is lost, how will the work be done? Meaning, do the work that needs to be done now. There is no other time than now. Agla doha hai, Dheere dheere re mana, Dheere sab kuch hoye. माली सींचे सौ गड़ा, ऋतु आए फल होए। एक बार फिर, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ गड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ है एवरीथिंग्स हैपन बाय बीइंग पेशेंट इन माइंड। The gardener may water with 100 pots, but the fruits will appear only in its season. इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए बच्चों और इसे गाने के रूप में गाइए। थोड़ी नादानी, थोड़ी शैतानी, मनमानी थोड़ी खींचातानी, थोड़ा शोर थोड़ा शोर, थोड़ा रंग थोड़ी उमंग। जब बच्चे थे थोड़े कच्चे थे, थोड़े कच्चे थे पर अच्छे थे। जब बच्चे थे थोड़े कच्चे थे, थोड़े कच्चे थे पर अच्छे थे। चल जिए भूल के सारे रूल, Life is still beautiful, life is still beautiful. कभी बेक टाइम मस्ती, कभी कॉमिक सतला पतली, कभी धूप धड़ाका, कभी आंख में चोली, कभी फटी पैंट, कभी खुला बटन, कभी किसी की धुना ही बन के बैठम। जब बच्चे थे थोड़े कच्चे थे, थोड़े कच्चे थे पर अच्छे थे। जब बच्चे थे थोड़े कच्चे थे, थोड़े कच्चे थे पर अच्छे थे। चल जिए भूल के सारे रूल, लाइफ इज स्टिल ब्यूटीफुल, लाइफ इज स्टिल ब्यूटीफुल। कभी धूप से यारी, कभी बारिश की छपाक, कभी पेड़ पे चढ़ना, कभी गिरना धपाक, कभी चादर का टेंट, कभी पिलो का पहाड़, कभी तोड़ना आम, कभी पड़ोसी का कांच। जब बच्चे थे थोड़े कच्चे थे, थोड़े कच्चे थे पर अच्छे थे। जब बच्चे थे थोड़े कच्चे थे, थोड़े कच्चे थे पर अच्छे थे। चल जिए भूल के सारे रूल, लाइफ इज स्टिल ब्यूटीफुल। पार्ट चार यानी लेसन फोर हमारा लेसन है पापा जब बच्चे थे। इसका मीनिंग है व्हेन पापा वाज चाइल्ड। आज हम इस पार्ट को पढ़ेंगे।
इसका पार्ट वन आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, आप भी सोचते होंगे कि बड़े होकर मैं डॉक्टर बनूंगा या फिर इंजीनियर बनूंगा, है ना बच्चों, या पायलट बनूंगा। जैसे यहाँ पर है चित्र में देखिए, वायुयान चालक यानी पायलट, और फिर है चिकित्सक, डॉक्टर, इंजीनियर, है ना बच्चों। चिल्ड्रन विल ऑल्सो हैव थॉट इन योर माइंड अबाउट वॉट टू बिकम वेन यू ग्रो अप। उसी तरह आज इस पार्ट में भी इस पापा जब बच्चे थे, इस पार्ट के राइटर है अलेक्सांड्र रस्किन, यानी लेखक अलेक्सांड्र रस्किन। इस पार्ट में वे कहते हैं कि जब पापा बच्चे थे तो उनसे पूछा जाता था कि उनसे अक्सर पूछा जाता था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। तो उनका जवाब, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, ऐसा पूछने पर वे झट से जवाब देते थे। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। पापा ऑलवेज हैड एन आंसर रेडी, बट देयर आंसर वॉज डिफरेंट एवरी टाइम, हर बार उनका जवाब अलग अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार मीन्स वॉचमैन। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनने की तमन्ना रखते थे। जैसे इनिशियली पापा वांटेड टू बिकम ए वॉचमैन, क्योंकि उन्हें वॉचमैन बनना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। He also liked to think that the watchman wakes up when the whole city sleeps. उन्हें यह सोचना भी बहुत अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सके। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर सब सोने के बाद ही वॉचमैन जागता है ना बच्चों। उन्हें पक्का यकीन था कि वह बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। He was sure that by growing up he would become a watchman. लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे टेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। आइसक्रीम वाला को देखते ही पापा का मन बदलने लगता है। पापा, बट वन डे एन आइसक्रीम सेलर अराइव्ड विद हिज शाइनी ग्रीन हैंड कार्ट। से देखते ही पापा का मन बदलने लगता है। वे सोचते हैं कि मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा। अगर मैं आइसक्रीम वाला बन गया तो मैं एक आइस खाऊंगा और एक आइस बेचूंगा। देखिए बच्चों, वे चाहते हैं वे आइसक्रीम वाला बने। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। पापा सोचने लगे, मैं आइसक्रीम वाला बन जाऊंगा तो मैं एक आइसक्रीम मैं खाऊंगा और एक बेचूंगा, यानी एक बेचूंगा और एक खाऊंगा। पापा थॉट आई विल सेल एन आइसक्रीम सो वन विल ईट माई सेल्फ। एक बेचूंगा और एक मैं खुद खा जाऊंगा। देखिए बच्चों, इस पिक्चर में और छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। मुफ्त मीन्स फ्री। ठीक है बच्चों, वे सोचते हैं कि मैं एक आइसक्रीम मैं खुद खाऊंगा, एक बेचूंगा और एक मैं खुद खा जाऊंगा, और छोटे बच्चों को मैं मुफ्त में आइसक्रीम दूंगा। आई विल गिव आइसक्रीम टू यंग चिल्ड्रन फॉर फ्री। बच्चों को वो मुफ्त में आइसक्रीम देना चाहते हैं। अब पापा आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। पहले पापा क्या बनना चाहते थे? चौकीदार। और अब आइसक्रीम वाला। जब
पापा के माता पिता, यानी जो पापा हैं उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं। अब उनके माता पिता ने जब सुना कि उनका बेटा आइसक्रीम वाला बनना चाहता है तो उन्हें हंसी आ जाती है, वे हंसने लगते हैं। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगा और वे खूब हंसे। He found it very funny and laughed at a lot. वे खूब हंसे अपने बेटे की बात सुनकर, उन्हें हंसी आ गई। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वे आइसक्रीम ही बेचेंगे। लेकिन पापा क्या करते हैं, मैं आइसक्रीम ही बेचूंगा। वे कहते हैं मैं आइसक्रीम वाला ही बनूंगा, मैं आइसक्रीम ही बेचूंगा। वे अपने बात पर अड़े रहे। बट द फादर इंसिस्टेड दैट ही वुड सेल आइसक्रीम। पापा इस बात पर अड़े रहे कि वे आइसक्रीम ही बेचेंगे। बच्चों, इस पार्ट में हम देखें कि सबसे पहले पापा क्या बनना चाहते थे, हाँ चौकीदार, और अब आइसक्रीम वाला। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी व्हाट पापा वांट्स टू बी। और भी पापा क्या क्या बनना चाहते थे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इस पार्ट को अच्छी तरह से रीड कीजिए और अपने मम्मी पापा से पूछिए कि वे जब बच्चे थे तो वे क्या बनना चाहते थे। चिल्ड्रन, यू आस्क योर पेरेंट्स व्हाट दे वांटेड टू बिकम व्हेन दे वेयर किड्स। ठीक है बच्चों, अब है वाचन, अब हम इसे रीड करेंगे। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। पापा पापा के पास 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 जवाब जवाब हमेशा हमेशा तैयार तैयार होता होता, मगर मगर उनका जवाब जवाब हर हर बार 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 अलग 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 होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। एक बार फिर, शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते ते। उन्हें यह सोचना अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। इसे अच्छी तरह से रीड कीजिए बच्चों और इस पार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। बाय बच्चों, धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।